और मैं आज करता है इन तमाम उन्होंने लीडर साहबाना तो मेरे पिता समान ने कुछ मेरे वे भावा समान ने कि आने वाले समय के सानू सेध दे के सानू अपना आशीर्वाद दे के आपके गल ना ला के सानू रखे और सानू वो तरीका ते सलीका सिखाते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ते कांग्रेस पार्टी के वर्करा नू किस तरह मजबूत करना है। सो ये मैं उम्मीद करता हाँ मेरे लीडर साहबाना तो। दोस्तों कांग्रेस पार्टी कोई सियासी दल नहीं है, ठीक है समय की तब्दीली दे नाल समय की तब्दीली दे नाल अजकल समा ऐसा आ गया है 21वीं सदी च असी प्रवेश कर चुके हैं। ये सियासी दल नहीं है, कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, कांग्रेस पार्टी एक विचार है और सोच ते विचार कदे खत्म नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है और मैं लगता तुसी भी सब लोग इस गल नाल सहमत होंगे। इन्हां चुनौतियां ते जित प्राप्त कर लई सानू अपने आप असी जिन्ने लोग इत्थे बैठे हैं मैनू अपने आप 3 D फॉलो करने पैणगे, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डायलॉग। सब तो महत्वपूर्ण गल है अज अगर असी दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी नू मजबूती दे वल लेके जाना चाहुंदे, ना केवल कांग्रेस पार्टी नू, चाहे कोई कारोबारी होवे, चाहे कोई बिजनेसमैन होवे, कोई व्यक्ति होवे, जिस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस कारोबार के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो वध फुल नहीं सकता। सो इस करके मैं कहा कि 3 D जिहड़े सानू आपके जीवन के अपनाने पैणगे अगर असी कामयाबी वल वधना चाहुंदे। दूसरा डी डेडिकेशन, कि किन्नी थोड़े च डेडिकेशन है, किन्नी लगन है, किन्नी लगन के नाल तुसी आपका कम संभालते, बेशक वो कोई भी किता है। सो अगर किसी भी कम के विच डेडिकेशन आ जाए तो मैनू लगता है कि उस कम नू कामयाब होने तो कोई रोक नहीं सकेगा। फिर तीजा मैं क्या डायलॉग तो मतलब है थोड़े विचार, थोड़ी गल, आम जनता की गल, लोगों की गल, कांग्रेस कार्यकर्ता की गल, कांग्रेस का जिहड़ा झंडा फड़ के चौंक खड़ा वो गरीब व्यक्ति जिहड़ा हमेशा कांग्रेस पार्टी की उच्ची सोच वास्ते लड़ाई लड़ता है, कामना करता है, अरदासा करता है, उहदे नाल डायलॉग उहनू पुछते ते आपस में एक मेल मिला के सब लोगों का, ये नहीं कि अगर राजा बड़ी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुखिया है तो वह किसी नाल डायलॉग ना करे, वह आपके मन मर्जी की रणनीति बनावे। और अगर मैं आपके मन मर्जी की रणनीति बनावांगा तो मेरा ख्याल फिर असी कामयाबी वाल वध नहीं सकांगे। यह ना केवल पार्टी च है, जे फैक्ट्री भी किसी ने चलानी है तो उहदे च भी अगर तुसी आपके तमाम साथियों नाल बैठ के डायलॉग ते एक टीम वर्क कट्ठे होके चलन की जिहड़ी कल्पना करोगे तो मैनू लगता तुसी कामयाबी वाल वध सकदे। इस 3 D बल्कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डायलॉग के नाल असी एक नवेकली कांग्रेस की होर रखनी चाहते। नवेकली कांग्रेस कोई वक्रा काम नहीं, इन्हां चीजां नूं अपनाना चाहते, थोड़ी गलबात के राही असी कांग्रेस पार्टी
अगे लेके जाना चाहते हैं। दोस्तों मैं आज धन्यवाद करने कहा गया है। मैं थोड़ा सारागढ़ी की उस कहानी वाल दसना चाहना जी अपने आप के हौसला दिंदी। अंग्रेज हुकमरान सरकार के अंदर साड़ी एक सिख रेजिमेंट होया करती सी। सारागढ़ी की दास्ता मैनू लगता तुसी सब ने जी फिल्म आई सी उहदे राही सुनी होनी कि वह एक ही लोग सारा जी एक टावर सीगा विचाले दो किलिया के विचाले। यह मेरा ख्याल 1897 की गल है। तो अफगानिया ने कबीले आलिया ने वो जो टावर सी वो शीशे के राही हालांकि डिस्टेंस कोई ज्यादा नहीं सी दोवां किलिया का लेकिन आपस में स्नेहा देने वास्ते या तालमेल वास्ते वो टावर की महत्ता सी जिथे सिख रेजिमेंट दे वो 21 लोग जिन्हां दे हवलदार ईशर सिंह अगवाई कर रहे सन। ते जदों अफगानिया ने गल कही अफगानिया ने कही भी पहला आपां टावर ते हमला करिए जे टावर आपां इन्हां नूं ढहे भी कर लिया तो फिर समझो असी इन्हां किलिया ते फतेह हासिल कर लांगे क्योंकि अगर यह स्नेहा देंगे तो उहदे नाल उहनां नूं बैकअप मिलेगा तो फिर होर जिहड़ी उहनां दी आर्मी जां फोर्स उत्थे पहुंचेगी। तो जदों उहनां ने हमला किया अफगानिया ने ते कबीले आलिया ने ते वह सिख क्योंकि पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत अणख और गैरतमंद लोग ने ये मर सकते ने लेकिन ना भज सकते ने ना हर सकते ने। ते उन्होंने हवलदार ईश्वर सिंह की अगवाई दे विच उन्हां 21 लोगों ने इतिहास कहता मैं नहीं कहता एक किताबा खेलियां ने कि 600 लोगों ने मार गिराया ते अंतम समय तक लड़ते रहे। तो उन्होंने सोचा सी कि जल्दी इन्हों के फतेह पा लांगे ते कब्जा कर लांगे इन्ने च मगरों बैकअप मिलिया ते होर जिहड़ी साडी आर्मी वो लड़दे लड़दे शहीद हो गए। साडे कोल इहो जिहियां हजारां उदाहरण है मेरे साथियों। मैं अज इस मंच तो यह कहना चाहना कि अखीरले दम तक असी लोग लड़ांगे इस पार्टी क्योंकि यह पार्टी बहुत विशाल पार्टी है इहदे हजारा लोगों का लखां लोगों का खून पसीना लगे जिन्होंने अपनी शहादत देके सिरजे। सो असी अंतम समय तक लड़ते रहेंगे जिवें करतार सिंह सराभा ने कहा सी। करतार सिंह सराभा जी नूं जदों फांसी ते चढ़ाउण लगे तो उन्होंने कहा कि तुसी छोटी उम्र है तुहाडी तुसी रहण की अपील कर सकते हो तुहाडी फांसी जिहड़ी है उस सजा च तब्दील हो सकती है तुसी देश छड़ के चले जाओ। लेकिन करतार सिंह सराभा ने हुक्मराना नूं कहा कि मैनू जल्दी फांसी दे फंदे ते चढ़ाओ मैं जल्दी मरना चाहना ते दोबारा एक बार फिर जन्म लैके मैं आपके देश वास्ते शहीद होना चाहना है। करतार सिंह सराभा हरां दी इस धरती दे उन्हां वारसा की सोच सी भगत सिंह होरां दी। सो बहुता कुछ ना कहना होया मैं अंत विच दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी सोनिया जी का हरीश चौधरी जी होरां दा ते मेरे तमाम लीडर साहबाना का ते तुहाडा अज दा इह बहुत सादा प्रोग्राम रख्या गया सी क्योंकि साडी हुणे हुणे पार्टी के अंदर सानू फतवा नहीं मिलिया और असी यह सोचा कि एक सादगी की परंपरा सानू पानी चाहिए है और उस तो बाद असी आम लोगों साडे उन्हां साथियों जिहड़े सानू प्यार करते उन्होंने कोले जाके उन्हां नूं मिलन दा उपराला करांगे। दोबारा फिर दिल दीआं गहराइयां चों तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते अंत विच उस मेरे गुरु ने जो कहा है
हे अशिवा वर मोहे एहें, शुभ कर्म अंते कब हूं न करूं, ना करूं हर सो जब जाय लरूं, निश्चय करे अपनी जी करूं। जय हिंद।